तो मैं YouTube पे कुछ टाइम से लगातार देख रहा हूँ कि भाई एक नई गेम ट्रेंड करी है जिसका नाम है कार फॉर सेल सिमुलेटर 223। एंड भाई मुझे लगा कि भाई ये गेम को मेरे को भी खेलना चाहिए, तो बस मैं फटाफट से आ चुका हूँ। एंड इस गेम का कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस गेम का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास है एक ऑफिस यानी कि शोरूम, उन शोरूम के अंदर हमको कार लाके बेचनी है और बनना है अंबानी। एंड बस यही है इस गेम का कॉन्सेप्ट। तो बस मैं इस फटाफट से गेम को खेलने के लिए इधर आ चुका हूँ मोबाइल के अंदर, यानी इस गेम का नाम है कार सेलर। एंड बस ये सेम वैसी ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, बस ये मोबाइल वर्जन के लिए। एंड वो वाली पीसी वर्जन की गेम है और तुमको पता है मैं बस पीसी कैसा ही है। चलो सबको बाजू छोड़ देते हैं, फटाफट से गेम में चलते हैं एंड बस गेम खेलते हैं। एंड तो भाई ये रहा हमारा शोरूम, ये हमारा कार सेलर नाम का है। एंड भाई देख रहे हो कितना बड़ा है। एंड यहाँ पर सोफे वोफे भी लगा रखे हैं भाई साहब, वो देखो कांच तो बस यहाँ पे कांच लगे हो भाई, मेरे को लगा पूरा गेट ही है ये। चलो छोड़ो जो भी है, यहाँ पे गेट वेट तो है नहीं। चलो फटाफट से नहीं, यहाँ कंप्यूटर भी, मैं कंप्यूटर एक्सेस कर सकता हूँ, वेट क्लिक करता हूँ जिसमें कर सकता हूँ उसको एक्सेस। यहाँ काल इसमें कुछ भी नहीं है, अपने ऑफिस को यहाँ पे अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते। तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ BG स्टोर्स। देखिए तुम लोग अच्छा लगता है नहीं लगता, तुम लोग कमेंट जैसे मुझे बताने का। एंड चलो फटाफट से इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। एंड बस यही है ना, यस यही है। एंड इसके अंदर हम कुछ भी अपने यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, मगर मेरे को भी करनी नहीं क्योंकि बस अभी पैसे नहीं है। एंड मेरे पास $9,000 ही हैं अभी। एंड वेट, ओ यस आ चुका फाइनली यहाँ पे इधर, ठीक है। अब बस ऐसे मेरे को यहाँ पे नहीं, मेरे पास $9,000 मेरे को स्टार्ट करना है। एंड वेट देखिए सामने सामने गराज है एक, एंड यहाँ पे गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, लोग भी नहीं चल रहे, पता नहीं क्यों, पता नहीं यहाँ बंदे कैसे ही आएंगे। एंड गराज है आई थिंक, यस ये गराज ही है। एंड बस हम अगर इनमें आकर अपनी कार रिपेयर करानी हो, इधर जंक यार्ड भी है। एंड अगर इधर से भी यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं सामान, ठीक है। एंड ये रहा अपना ट्रेलर जो कि हमारा ही है, जिसे हम अपना सामान इधर ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। और ये बस स्टेशन है। एंड यहाँ वो सामने इधर पेट्रोल पम्प है, नेचुरल से चलते हैं विलेज की तरफ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने सुना है कि भाई विलेज के अंदर ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है, वहाँ चलते हैं। तो फाइनली विलेज के अंदर मैं आ चुका हूँ। एंड भाई यहाँ देखो भाई, कार ही कार लगी हुई है भाई इतनी सारी। एंड भाई ये ना ऐसा रात को बंद हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे रात हो जाती है 8 बजे तक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाली कार भी बेकार थी, ठीक है, जो कि तुमको दिखाई मैंने। एंड यहाँ पे एक और कार खड़ी है, एंड ये भी 14,000-15,000 की थी भाई हट पे, एक तो इतनी डैमेज वैमेजी पड़ी है, ऊपर से मैं 15,000 की खरीदूँगा, चलना है। एंड चलो फट से यहाँ पर बढ़िया से कोई कार ढूंढते हैं, एंड फिर मिलता है तुम लोगों से ढूंढने के बाद। तो फाइनली भाई मैं इधर तक आ चुका हूँ। एंड भाई मैं इतनी सारी कार इधर देखी है ना, बस क्या ही बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे इस वाली कार को देखने के लिए आया हूँ मैं, ये 6,200 की है। चलो 6,000 में मांग के देखते हैं, शायद 6,000 में दे भी दे मेरे को। एंड चलो छोड़ खरीद लेते हैं, ठीक है, ऐसे खरीद लेते हैं, चलो मैं खरीद ले, ठीक है। एंड बस फटाफट से कार के अंदर बैठते हैं। एंड इसको एंटर देखो, बस फटाफट से कार के अंदर बैठने वाला हूँ, ठीक है। एंड सामने वाली कार को एक बार देख लेते हैं। चलो छोड़ो यार, ध्यान देते हैं, इतने पैसे भी नहीं है, इसको रिपेयर भी कराना है, थोड़ी बहुत डैमेज वैमेज भी है। चलो फटाफट से इसमें एंटर करते हैं। एंड ये देखो भाई, ये है अपनी ब्रांड न्यू कार जिसको भी हम बेचने जा रहे हैं। एंड बस अब आगे इसको फायर को फ्लैट से बेचना है एंड गेन करना है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। एंड फिर मैं कैसे करके ढेर सारी इधर कार लानी है, लाइक लैम्बोर्गिनी। तो फट से मैं अपने इधर चलता हूँ, ठीक है। एंड मुझे थोड़ा बहुत रास्ता तो इधर का याद हो ही चुका है क्योंकि इतना घूमा हूँ मैं इधर। चलो फ्लैट से नहीं, इधर की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ सामने से थोड़ा राइट लेने का है, लेफ्ट लेना है, एंड फिर मैं बस स्टेशन पहुँच जाऊँगा, ठीक है। वहाँ से मैं उसको ट्रांसपोर्ट कराने यानी कि टो करा लें सीधा घर पे, नहीं ऑफिस पे करा लें, ठीक है। एंड वहाँ से बस अपने को काम करना है, ठीक है। इतने इतने चला के जाने का फ़ायदा नहीं है अपना, वरना इसका फ्यूल व्यूल भी बेकार ही होएगा, ठीक है। चलो फट से इसको इसको कर देते हैं, टो करा देते हैं। एंड चलो फट से चलते हैं ऑफिस की तरफ, ठीक है, एकदम झटके में पहुँच जाएंगे एंड इस पर। चलो चलते फट से ऑफिस। तो फाइनली मैं ऑफिस तरफ आ चुका हूँ, ठीक है। एंड ये रही अपनी ब्रांड न्यू कार जो भी अभी हम खरीद के लेकर आए 6,200 की। एंड चलो इसको फटाफट से अगर रिपेयर कराते हैं एंड फिर इसको बेचना भी है, ठीक है, क्योंकि इससे हमको मिला है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। एंड इस कार को बेच के भी अच्छा खासा प्रॉफिट तो कमाना ही है। चलो फटाफट से इसको इधर प्लेस कर देते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, सर्कल के अंदर पार्क करना होता है। एंड चलो फटाफट से इससे बात कर लेते हैं, इसको रिपेयर कराते हैं, ठीक है। एंड इसे 1200 रुपये लग रहे हैं। चलो एंड चलो भाई फाइनल में इसको पूरा पूरा रिपेयर करा लिया। एंड चलो बस फटाफट से इसको इस कार को क्या करते हैं, सेल पर डालते हैं। एंड चलो फटाफट से चलते हैं अपने ऑफिस, इसको यार ड्रिफ्ट मारता हूँ, ठीक है। ये जे बात भाई, ये ड्रिफ्ट तो उन लोगों का शायद आती ही नहीं होगी। एंड चलो फाइनली इसको फटाफट से चलते हैं ऑफिस तरफ लेकर, पहली मेरी कार जो मैं अपने ऑफिस में ला कर सेल करने वाला हूँ। एंड थोड़ी बहुत डैमेज वैमेज भी है, मगर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कार है। अब इसको रिपेयर मैंने ज़्यादा कराया नहीं है, मतलब डैमेज तो ख़त्म कर दिया है मैंने, बस हाँ बाकी सब चीज़ गंदी बंदी है उसके हिसाब से, ठीक है, फ्यूल व्यूल भी तो थोड़ी कम में जाएगी। तो मैं इसको 10,000 के बेचने वाला हूँ, ठीक है, मैंने सोच लिया है। चलो फट से कार लिस्ट भी जाते हैं एंड इसको लगाता हूँ मैं 10,000 रुपये के लिए, सॉरी $10,000 पहले डाल दूँ।
तो फ्रेंड्स इसको लगा $10,000 की, $1,000 की नहीं 10,000 की, ठीक है। एंड इसको कर देते हैं सेल ऑन, ऑन सेल भी कर देते हैं। एंड बस अभी फ्रेंड से वेट करें बस कस्टमर का आने का, एंड फिर इसको फ्रेंड से सेल कर देंगे। एंड मैं यहाँ पे उसमें और भी कुछ कर सकता हूँ, चल छोड़ो। एंड वेट करते कस्टमर का, एंड फिर आने के बाद चलते दूसरी कार लेने के लिए। एंड चलो देखते बाहर कोई आया क्या। वेट आ गया, आ गया, आ गया, कस्टमर आ गया, पता नहीं कहाँ से आया ये, मगर आ गया। एंड तो ये आंटी से तो मैं आई थिंक ये वाली कार खरीद के लेकर आया हूँ। चलो छोड़ो जो भी है मेरे को क्या, 9,800 में लेगा, चल ज़्यादा नहीं, 200 का डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट देता, कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनल मैं इधर बेच चुका हूँ, एंड बस मेरे को से प्रॉफिट हो चुका है, $2,280 का प्रॉफिट मेरे को से हो चुका, समझ रहे हो भाई। ऐसे करके मैं आपको 1,500 का इधर बेचनी है एंड गेन करना है प्रॉफिट को। चलो फटाफट चल रहे दूसरी वाली कार को लेने के लिए। चलो भाई वैसे भी रात होने ही वाली, तो अभी जाके फ़ायदा नहीं, ठीक है। फटाफट से जाके पहले सो जाते हैं। देखो यहाँ पे तुमको सनसेट दिख नहीं रहा होगा, मगर टाइम देखो बाजू में, ठीक है, 7:30 बजने वाले रात के। एंड चलो यहाँ पे मेरे को स्लीप करना है और सोफे के ऊपर ही, मेरे को यहाँ पे घर पर भी खरीदना पड़ेगा बढ़िया सा, एंड वो थोड़ा महंगा आएगा, मगर हाँ मैंने ऑफिस क्लोज कर दिया तो सो जाते हैं। एंड मैं सो चुका हूँ, फटाफट से जल्द उठते हैं। एंड यस ठीक है, मैं फाइनली इधर उठ चुका हूँ, बस फटाफट से पहले ऑफिस को कर देते हैं ऑन। एंड अभी जाना है मेरे को बढ़िया से अपनी सेकेंड गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हम गाड़ी भी बेचनी है, मैंने ऐसा उसके बारे में होगा नहीं। चलो चलते कार मार्केट, ठीक है। एंड मैं देखने लगा कार मार्केट के अंदर कुछ बढ़िया सी मेरे को कार्स मिल जाए, लाइक कुछ बढ़िया बढ़िया मिल जाए जो भी अपने बजट के अंदर भी हो अभी। एंड यहाँ पे स्पेस इंस्पेक्टर 39, भाई मेरे तो ये नहीं आने भाई, मेरे इतनी बड़ी ये ब्लैक वाली कितने की है। एंड ये भाई तो 48,000 की है। एंड भाई ये सब तो मुझे लग रहा है ये सब बजट के बाहर ही जा रही है। चलो फट से इस वाली, ये वाली व्हाइट वाली को ट्राई करते हैं, शायद कितने की है, 507, ये तो ज़्यादा सस्ती है, चलो इसको ले सकते हैं, ठीक है। एंड मैं इसे ले लेता हूँ 5,500 में, एंड 55,000 में नहीं 5,500 में, चल छोड़ो 5,600 में दे दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी इसलिए मैं नया हूँ तो मेरे को पता भी नहीं, ठीक है। चल 5,700 में ही दे दे तू, पूरा डाल दे 5,700 एंड आप भेज दे, चल भेज दी से, ठीक है। फटाफट इसको कहते हैं पूरा टो घर की तरफ। एंड बस इस वाले क्या करें, मैं बढ़िया के रिपेयर करा कर तगड़ा भेजूँगा, ठीक है। एंड यार यहाँ पे बहुत सारी कार है, चलो फटाफट चलते बाहर एंड अपने ऑफिस की तरफ, एंड जाकर उसको कार को बेचना भी आज हमको रात होने से पहले। चलो चलते ऑफिस की तरफ, एंड बस फाइनली ऑफिस की तरफ आ चुका, एंड बस चलते वो रही हमारी नई ब्रांड न्यू कार जो अभी अभी हम लेकर आए एंड इसको बेचने वाले हैं। एंड चलो कार के बैठते हैं, इसको फटाफट से रिपेयर कराते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम व्हील्स भी अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नए गेम के अंदर नया फीचर आया है, तो आई होप वो बढ़िया काम कर रहा हो, तो बस हम इसमें भी करा सकते हैं, ठीक है। एंड बस इसको यहाँ पर फटाफट से खड़ा कर देते हैं, एंड से बात करते हैं, ठीक है। एंड कार को रिपेयर कराते हैं, एंड इसके अंदर $1,000 का काम है, इसको करा लेते हैं। एंड नीचे कुछ व्हील्स हैं, एंड देखते कोई बड़ी सी व्हील मिल जाए तो फिर वो चलते हैं, वही इसमें कुछ अच्छा लगा नहीं, तो मैं फटाफट से इधर से जा रहा हूँ। एंड इसको करा देता हूँ बाहर टो, करा लेते हैं अपने ऑफिस के पास। एंड मेरे को इसमें फ्यूल व्यूल भी भराना है, इसको रिपेयर भी कराना है, क्लीन भी करना है, ठीक है। तो मैं बाकी तीनों की तीनों जगह जाने वाला हूँ, एंड इसको करा देते हैं, टो नहीं कराना है, फिर चेक करते हैं, ठीक है। डर्टी और फ्यूल है ना, यहाँ वॉशिंग सेंटर लेके चलते हैं इसको, और पहले उससे पहले फ्यूल है तो डालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्यूल भी कम है ना। चलो फटाफट चलते हैं फ्यूल यानी कि अपना ऑयल स्टेशन, एंड ये अपने पास में ही है भाई, ऑयल स्टेशन ज़्यादा दूर भी नहीं है। एंड चलो फटाफट चलते हैं, ठीक है। एंड फिर मैं तुम लोगों को दिखा दूँगा कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। चलो पहले फटाफट से फ्यूल डलवाता हूँ, एंड फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले उतरते कार से तगड़ा करके, एंड उतरते हैं, एंड इसमें ना फटाफट से फ्यूल डलवा लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे $74 का डल जाएगा, फुल हो गया। एंड चलो अभी चलते हैं बाहर, एंड तुम लोगों को दिखाता हूँ कि भाई बाकी क्या क्या है। एंड भाई देखो इसमें ड्रिफ्ट तो बहुत बढ़िया लग रही है कार के अंदर, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को उसके अंदर। एंड बस चलो फाइनली मैं इधर पहुँचने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पे कार मार्केट रास्ते में पड़ती है भाई, सारी सारी चीज़ें। अगर मैं बस ऐसे अपनी पर्सनल कार होगी ना तो मैं इसमें जा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब फिर मेरे को ऐसा बस से ही जाना पड़ेगा। एंड चलो छोड़ो जो भी, यहाँ पे इतनी सारी कुछ कारें खास नहीं है मेरे बजट के हिसाब से। एंड चलो सामने से यहाँ पे देखो सामने तरफ ना एक और चीज़ है, ठीक है, देखते क्या चीज़ है वो। ये यार तो जो ट्रैक से निकली जा रही है वो यहाँ पे बाहर भी है, ठीक है। यहाँ पे हम आकर दारू और पी सकते हैं, मगर ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए इस गेम के अंदर भी। एंड चलो फटाफट छोड़ते हैं इसको भी, ठीक है। एंड सामने की तरफ है ये हमारा गैस स्टेशन, ठीक है, गैस स्टेशन नाम से ही है, तो वॉशिंग गेट। चलो फाइनली इधर पहुँच चुका हूँ, और भाई क्या ही कर सकते हैं ना, ठीक है। एंड चलो फटाफट से इसको ऐसा वॉश कराते हैं, एंड फिर चलते हैं, एंड जाकर इस कार को सेल करने वाला हूँ मैं।
एंड चलो फटाफट से इसको पहले लगा देते हैं, इस पूरे ट्रैक के ऊपर एंड साफ करा लेते हैं। एंड बस इधर लग चुके फटाफट से, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा और आगे बस इतने पर, ठीक है, इतने पर सेट कर देते हैं। एंड बस एंड मैं जैसे जा सकता हूँ, कह रहे यार जैसे नहीं जा सकते, हमको बाहर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा यार इसमें, ये थोड़ा गलत सिस्टम है इसके अंदर। एंड चलो फाइनली इसको साफ कर देते, $37 की होने वाली है। एंड चलो भाई क्या मस्त एनिमेशन है। एंड चलो फटाफट से इसका अंदर बैठते हैं, फिर चलते हैं बाहर। एंड इसको करा, इसको ले जाते सीधा घर की तरफ। तो भाई फाइनली मैं इसमें कार में बैठ चुका हूँ, बैठना थोड़ा मुश्किल था मगर हाँ मैं बैठ चुका हूँ। चलो फटाफट चलते हैं ऑफिस। एंड बस एंड फिर तुम लोग को मिलता हूँ ऑफिस के पास जाके। तो फाइनली मैं ऑफिस के पास पहुँच चुका हूँ। एंड यहाँ पर फटाफट से कार को खड़ी करते हैं, पूरी की पूरी साफ भी करा ली, ऑयल भी 100% है एंड डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। एंड तो बस कार को खड़ा करते हैं, फटाफट से आगे इसका इसके अंदर इसको सेल पे लगाते हैं। एंड 4 तो बज ही गए हैं भाई। चलो फटाफट से कार लिस्ट पे क्लिक करते हैं एंड बस इसको फटाफट से लगा देते हैं। मैंने 5,700 की खरीदी है एंड मैं इसको 10,000 में भी लगाऊंगा, लास्ट लेके था इसको भी 10,000 में लगाऊंगा। वैसे मुझे ज़्यादा कार लगाना चाहिए मगर हाँ अभी के 10 का लगा देते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार लेकर आएंगे उसको थोड़ा महंगा करके भेज देंगे। एंड चलो इसको लगाते हैं सेल पे। एंड बस अभी वेट करते कस्टमर का आने का, एंड फिर चलते हैं इसको बेचने के लिए। वहीं पर कस्टमर आ चुका है, बस इसको बात करते हैं, इधर से हम खरीदे इसको सेल कर देते हैं, बस बात खत्म। एंड कर दी मैंने सेल, एंड कार भी हमारी जा चुका है, हम 2 कार बेच दिए। तो आई होप तुम लोग आज वाली वीडियो जरा से बेच रहे हो ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। और तुम लोग बताओ कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ का नहीं डालूँ कमेंट सेक्शन के अंदर।